हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो डॉक्टर एम बी यूट्यूब चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ रोक्सिड 150 mg टैबलेट की और 300 mg टैबलेट की, जिसका साल्ट होता है रोक्सीथ्रोमाइसिन। अगर इसकी क्लास की हम बात करते हैं तो इसकी क्लास होती है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, यानी कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव पर अपना वर्क करती है। तो हम बात करते हैं दोस्तों इस टैबलेट के यूज़ की, यानी कि रोक्सीथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ किस तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है। दोस्तों इसको जो यूज किया जाता है वो कान के इन्फेक्शन में, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के या रोगी के कान में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए हम रोक्सीथ्रोमाइसिन टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं। नाक के इन्फेक्शन में, गले के इन्फेक्शन में, यानी कि किसी व्यक्ति के अगर गले में टोंसिल हो गए हो या गले में इन्फेक्शन हो गया जिससे खाना खाया भी नहीं जाता और पानी भी नहीं पिया जाता है, तो उसे सही करने के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए हम इस रोक्सीथ्रोमाइसिन रोक्सिड 150 और 300 mg का हम यूज़ कर सकते हैं। और रोक्सिड 150 mg टैबलेट का हम स्किन इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ इसकी डोज की। एडल्ट 300 mg दिन में एक बार हम दे सकते हैं, या फिर 150 mg सुबह और 150 mg हम शाम दे सकते हैं। खाना खाने के एक घंटे के बाद इस टैबलेट का यूज़ करना होता है। दोस्तों हम बात करते हैं चिल्ड्रन में डोज किस तरह से दी जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 4 से लेकर 5 mg या 6 mg, 4 से लेकर 6 mg पर केजी दिन में हम एक बार दे सकते हैं, यानी कि 4 से लेकर 6 एमजी हमें सुबह में देनी है, 4 से लेकर 6 एमजी हमें शाम में भी देनी है, दिन में दो बार, यानी कि बीडी हमें डोज की देनी होती है। दोस्तों मैं बात करता हूँ इसकी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की। रोक्सिड 150 एमजी और 300 एमजी के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि हम इसको टैबलेट को ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो इससे हमें क्या होता है, उल्टी भी आने लगती है, कभी कभी दिल भी मचलाने लगता है जिसे हम जी मचलाना कहते हैं, नोसिया, वोमिटिंग इंग्लिश में बोलते हैं इन लोग इस चीज़ को, और स्किन रेसेस यानी कि स्किन पर लाल चकदे हो जाते हैं, यानी हल्की हल्की एलर्जी भी हो जाती है, और दोस्तों इससे हमारा दिल भी कभी कभी घबराने लगता है, दस्त भी हो जाते हैं दोस्तों इससे कभी कभी। इसके कुछ ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ इस मेडिसिन की इंटेक्शन की, यानी कि रोक्सीड, इसका साल्ट होता है रोक्सीथ्रोमाइसिन। यह किस किस मेडिसिन इंट्रैक्शन करता है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, इंट्रैक्शन जो करता है वो साइक्लोस्पोरिन से और डाइजोक्सिन से ये इंट्रैक्शन करता है। तो याद रखिए दोस्तों, रोक्सीथ्रोमाइसिन का रोक्सीड टैबलेट जिसका साल्ट होता है रोक्सीथ्रोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन के साथ और डाइजोक्सिन के साथ यूज नहीं करना होता है। दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। और याद रखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को लीवर की बीमारी है या किडनी की बीमारी है तो उस कंडीशन में इस रोक्सीथ्रोमाइसिन साल्ट का यूज़ बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। और दोस्तों मैं बात करता हूँ एक मेन पॉइंट की, जो इसका मेन पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, याद रखना, क्लोरीथ्रोमाइसिन के साथ, एजिथ्रोमाइसिन के साथ और इरीथ्रोमाइसिन के साथ हम रोक्सीथ्रोमाइसिन जो रोक्सीड 150 और 300 mg की टैबलेट का साल्ट है इसका यूज़ नहीं करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।